आज शाम को ही। ओके ओके जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या चलेगा, टी कॉफी? कॉफी ब्लैक। सेम। थ्री ब्लैक कॉफी। जी, कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं आपसे उस टेंडर के बारे में पूछना चाहती थी जो आपने अर्शद के नाम भरवाया। कौन अर्शद? आप अर्शद को नहीं जानते? वही जिससे आपने टेंडर भरवाया था 15 लाख देकर। 15 लाख? एक्सक्यूज मी, गेट में काशिफ। काशिफ ब्लडी इडियट, राइट अवे मेरे ऑफिस में आओ। नहीं, मैं नहीं जानता अर्शद को। होगा कोई बड़े बाप का, यूज करते हैं नाम टेंडर भरवाने के लिए, नाम यूज करते हैं। तो मैंने कहा है भाई से, आता है काशिफ। सर, लेकिन काशिफ साहब आपके मिल लाए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लेते हैं? भाई है, छोटा कम है। मैं तो देखे ना बाहर रहता हूँ पाकिस्तान से, पीछे यही देख रहा होता है। अभी आता है, बात करते हैं। हाँ, तुम्हारा बंदा आ गया है, उसे समझा दो कि मेरे दोनों बेटों को कत्ल किया गया है। अरे भाड़ में जाए एविडेंस, मैं जानता हूं कि गवाह और शवाहिद कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। पुराना मेंबर हूं इस क्लब का, सारे रास्तों से गली कूचों से वाकिफ हूं और चोर दरवाजे भी जानता हूं। बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसा करो, वरना किसी की खैर नहीं। शहर इक्तदार दूर जरूर है लेकिन मेरी पहुंच से दूर नहीं है। समझ गए या समझाऊं? जी मैं बिल्कुल समझ गया। आप सिर्फ इतना फरमाइए कि शामिल तफ्तीश किसको करना है? खान को और किसको? खान को। ठीक, इसके लिए आपको FIR दर्ज करवाना होगा। तो करो FIR दर्ज। लगता है आप खान को जानते हैं, या फिर यूं कहना चाहिए कि शायद खान आपको नहीं जानता। बहरहाल मैं थाने से कुछ लोगों को भेजता हूं, वो आपका बयान लेकर FIR दर्ज कर लेंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज़। आज आ रहा है खान, अगर वो मुझे नहीं जानता तो अब जान जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि दूर रहूं, क्योंकि अब घास के दबने का वक्त आ गया है। किसी को कोई परवाह नहीं है, ये मुल्क जहां जा रहा है वहां सिर्फ तबाही है। भाई किसी को परवाह हो या ना, मुझे तो है। हमें ये तो सारा खेल ही खत्म हो गया, अब क्या करें? उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिलते हैं जिसने काशिफ को फोन किया था अर्शद के नाम से टेंडर भरवाने के लिए। हाँ, छोटे को उसके घर तक तो पहुंचाना ही पड़ेगा। चले, ज्यादा वक्त नहीं है। चलो बिल प्लीज। जी सर, अभी कुछ देर पहले गए। सर वही कहा था जो आपने कहा था। ठीक है, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ। सर मगर वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास जरूर जाएंगे। उसकी तुम फिक्र ना करो, उससे मिलने के लिए उन्हें दूसरी दुनिया जाना पड़ेगा। ठीक है सर,
शाहजहाँ की फ्लाइट से हम दोनों दुबई चले जाते हैं। गुड। शरबत की तरफ जाना है। ठीक है फोन। चाय दो शरबत। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारी बहू से आपका पुराना ताल्लुक है। जी पड़ोस के काम थे हमारे। बड़ा हक होता है पड़ोसियों का। जी एक चम्मच और डाल दीजिएगा। जी शुक्रिया। सुना है बहुत ऊपर तक आपके ताल्लुकात हैं। बड़ा ही गलत इन्फॉर्मर है आपका। मैं तो एक सोशल वर्कर हूं। मेरा हुकूमती ऐवानों में क्या काम। पता नहीं ये बदमजा गर्म पानी तुम लोग कैसे पी लेते हो। किसी का खून पीने से बेहतर है। शरबत के गांव का तो मुझे पता है, तुम किस गांव से हो? मेहरवाली। मेहरवाली? मेहरवाली के चौधरी से बड़ा याराना था हमारा। चौधरी फजल करीम। तुम जानते हो उसे? मेरे वालिद उसकी जमीनों की देखभाल किया करते। शजरा मिला है तो तुम्हारा बाप मजारा था फजल का। मुलाजिम था। हाथ बेचा था मजाद में। बड़े बड़े बज़ात शहर आकर मौजिज़ बन जाते हैं। खैर तुम्हारे डाकखाने का तो पता चल ही गया। खुशी हुई आपसे। इजाजत चाहूंगा। ठीक है खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। असल से जफा नहीं और कम असल से वफा नहीं। मुझे यकीन है कि जमील और ताहिर के कत्ल में इसी का हाथ है। अच्छा मैं गांव जा रहा हूं। तुम इलेक्शन लड़ो, मैं खान से लड़ता हूं। ये यहाँ क्या कर रही है? वाओ मिसेस खान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? किसी को मिलने के लिए किसी को जानना जरूरी तो नहीं है। सही कह रहे हैं आप। और किसी को हमदर्दी वाला फोन कॉल करने के लिए भी ना पहले से जानने की जरूरत नहीं होती है ना। या आपसे मिलने के लिए बड़ी ख्वाहिश थी मेरी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप और मेरे शौहर बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर ये दुश्मनी क्यों? दुश्मनी कैसी मिसेस खान?
ये तो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ है। अच्छा, और इस हाथ के अंदर है क्या? मिसेस खान, इस हाथ के पीछे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। आइए ना, मिलके बैठ के बात करते हैं। हाँ, आया था वो। बड़े अब्बा को भी उसी पर शक है। मुझे भी यही लगता है। अच्छा, मेरी एक बात सुनो, इस जुमे को मैं तुम्हारे घर में कमाल और नायला का निकाह रख लूं? कौन कौन आएगा? ज्यादा लोग नहीं आएंगे, बस अर्शद के कुछ दोस्त होंगे और काजी। और शबाना और खान को पता चल गया तो? बिल्कुल भी नहीं। बड़ी गहरी चोट दे रही हो तुम उसको। हाँ, जो चोटें उसने दूसरों को लगाई है ना, अब पलट रही है उसकी जाने। अच्छा, शबाना इंग्लैंड जा रही थी ना, चली गई? नहीं, लेकिन खान से बोलचाल बंद है, कमरा भी अलग कर लिया उसने। कमाल का निकाह खान के लिए दूसरी बड़ी चोट होगा। और तुम्हारी चोट? सबसे आखिर में, ताबूत की आखिरी की। तुमसे मोहब्बत करता है? हाँ, इसीलिए तो। मोहब्बत में सबसे ज्यादा दर्द होता है। वैसे वो इसी का अहल है। तुम बताओ, अनवर का कुछ पता चला? नहीं, मगर मुझे लगता है कि वो जिंदा है। पर खान कैसे छोड़ सकता उसको? मेरे पास कुछ तस्वीर आई हैं। कैसी तस्वीर है? हम दोनों की, मॉल में मिलने की। ये कौन हो सकता है? अब पता नहीं कौन है, लेकिन वो खुद को मेरा खैरखा कहता है। मेरा नंबर भी है उसके पास। राहत, तुम एहतियात करना, खान कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा मतलब है सबके पीछे खान है? हो सकता है, इसीलिए कह रही हूँ एहतियात करना। हाँ, कह तो ठीक रही हो। अच्छा चलो, अब्बा जी निकलने वाले हैं शायद, मैं फिर बात करूंगी। अच्छा, एक बात बताओ, खान से क्या बात करनी थी उन्हें? कुछ नहीं, सिर्फ दुश्मन को जांचना था। तुम समझती हो कि खान ही जमील का कातिल है? हाँ, और अब ताहिर का भी। ताहिर? लेकिन ताहिर तो तुम्हें मारने आया था ना? आया नहीं, भेजा गया था। किसने भेजा उसे? निगार ने। What? मिसेस खान, आप कैसी बातें कर रही हैं? कौन सा नंबर और कौन सा फोन? तो तुमने फोन नहीं करवाया था क्या? देखें, मैं तो खान की दोस्त हूँ, भला मैं इससे कैसे कर सकती? तो फिर वो दोस्ती का हाथ? हाँ, वो दोस्ती का हाथ इसलिए क्योंकि मुझे लगा आपको मेरे और खान के रिलेशन के बारे में पता चल गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। दोस्ती से बढ़ के कोई और भी ताल्लुक है आपका मेरे शौहर से क्या? Let's talk about it some other time. मिसेस खान, हमसे भला दोस्ती कौन करता है? यहाँ पे तो दुनिया के बड़े लोग आते हैं, दुनिया की सफाक हकीकतों से भागते हुए। आपको एक मशवरा है, पॉलो कोयलो की किताब जरूर पढ़िएगा। मेरा और खान का रिलेशन आपको पता चल जाएगा। गई तो ऐसे जैसे ऑलरेडी ये बुक पढ़ चुके हो।
हवेली से मैं कुछ फैसले करके आया था, लेकिन यहां आकर उन्हें बदलना पड़ा। अब मैं यहां कुछ फैसले करके जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि उन फैसलों को मुझे बदलना नहीं पड़ेगा। देखो, मेरी पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, और जमान ने जो कुछ खान के बारे में तुम्हें और मुझे बताया है, उसने खान को मशकूक कर दिया है। तुम जमान से रابطے में रहना, मैं ऊपर बात करता हूं। जानता हूं कुछ लोगों को जो खान के खिलाफ। और हां, निगार का तो बंदोबस्त कर दिया है मैंने, जिसने ताहिर को तुम्हारे खिलाफ वरगलाया था। खुदा हाफिज। बूंद बूंद प्यार, चैन ना करार, ख्वाहिश है खून खून। हाँ ठीक है, उससे कहो कि वो वहां पहुंच जाए, मैं वहीं आता हूँ। जी खान जी। ये अकील सदीकी खामोश होने वालों में से नहीं है। खासा वैसे अनवर जिंदा है। और इस वक्त वो दुबई में। इस बात का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं। तो फिर क्या सोचा? मेरे जो मफाद में होगा मैं वही फैसला करूंगा। मुझे तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी। बता दे रहा उन्होंने जिन्होंने तुम्हें भेजा यहां पर। बड़ी अच्छी और खूबसूरत चेन पहन रखी है तुमने गले में। ये चेन, चूड़ियां, नथ, ये गुलामी की निशानी है। हर कबीले के मुख्तलिफ जेवर हुआ करते थे, जो अपने गुलामों और औरतों को पहनाया करते थे। आज भी ये निशानियां पहनी जाती हैं। What rubbish! Meeting is over. Not yet, Mr. Sandeep. Not yet. गुलाम और औरत हमेशा फरार चाहते हैं, बेतबार होते हैं, इसलिए वे टॉक डाले होते हैं। जैसा एक टॉक तुमने पहन रखा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? धमकी नहीं दे रहा, फ्रेंडली एडवाइस है। फैमिली डिनर की सेल्फी भेजना मुझे कल रात से, याद से। हेलो, शबाना आई थी आज मेरे पास। नारो के नाम पे निकले हुए नंबर से उसे कॉल आई है। कैसी कॉल? यही के उस पे कातलाना हमला तुमने करवाया है। ये सिम नारो के नाम पर है? हाँ, सिम कराची से इशू कराई गई है और नारो के नाम पे निकलवाई गई है। नारो का आईडी यूज हुआ है। सिर्फ एक कॉल आने के बाद वो नंबर बंद हो गया है। और तुमसे क्या बात हुई? हाँ, बहुत खतरनाक बात है। उनको मेरे और तुम्हारे बारे में पता चल गया।
Come in. Kana? Thank you, sir. Sir, ये इब्ने सफरी तो बहुत काम का आदमी निकला. Really? सर ये. ये तमाम लापता होने वाले अफराद में एक बात मुश्तरक है सर, ये सब किसी ना किसी तरह खान के करीब रहे हैं और ये तमाम लोग गवर्नमेंट इदारों में अच्छी पोस्ट पर भी थे. तो ये सब लोग सिर्फ गायब हुए हैं या इनमें से कुछ लोग मारे भी गए? सर मारे जाने वालों की फहरिस्त ये है और इनमें एक नाम बहुत अहम है सर. वो कौन? सरफराज खान का बहनों. ओह, राहत का शहर. यस, और इन लापता अफराद में से एक शख्स अभी कुछ दिनों पहले मंजर आम पर आया था और फिर गायब हो गया सर. वो नाम किसका है? अनवर, सरफराज का बचपन का दोस्त. वेरी वेल डन, वेरी नाइस. अब क्या करना है सर? अब क्या करना है, एक काम करो, इन सब लोगों के घर वालों से रब्ता करो और उस कहानी को तलाश करो जिसकी हमें तलाश है. Right, sir. I have to say that you have done a great job. Thanks, sir. Good work. मंसूर अहमद के हवाले से पूरी तफसील बताओ मुझे. जी खान साहब, मैं मालूम करके बताता हूँ. ठीक है. क्या बात है, क्या देख रही हो? अभी तो आतिश फिशां देख रही हूँ. इस आतिश फिशां के करीब मत आना, जल जाओगे. लकड़ी जली कोयला बनी, कोयला बना है धूल. मैं पापन कुछ ऐसी जली, कोयला बनी ना धूल. अरे वाह, तो बात खूबसूरत शेर है. एसपी जमान को जानते हैं? क्या कहता है? कल आया था मेरी बुटीक पे, ताहिर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था. ताहिर कब नहीं आएगा? दरवाजा तो दिखाई दे दिया ना उसको. कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहते हैं. पर दस्तक आना ठीक नहीं है. तुम कभी बचपन में किसी के घर की घंटी बजाकर भागी हो? हाँ, कई बार. तो बस फिर ये समझो कि वो एक शरारती बच्चा था जिसने ये काम किया और हमने उसे देख लिया. अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है. ओके. हम सब दायरों में रहते हैं और उन्हीं के दरमियान जीते हैं. जब तक बंदे की ख्वाहिशात गर्दिश में रहती हैं वो सुकून में रहता है, मगर जब दायरे से बाहर निकल जाती है तो वो रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है
और भटके हुए कभी राह रास्त पर नहीं आते। तब उनका एक ही अंजाम होता है। जमील के बाप से बच कर रहिएगा। वो जमील और ताहिर के कत्ल का मुकदमा आप पर दर्ज करवा रहा है। कराने तो उसे। आपके गार्ड तो पक्के हैं ना? तफ्तीश हो रही है उनसे। तो तुम भी वही समझते हो जो वो समझता है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। कुछ बग ना दें वो लोग। दिफा में किए गए फाइल से अगर कोई मर जाए तो वो जुर्म नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि ये सब प्लान का हिस्सा था तो फिर ये जुर्म भी बन सकता है। आपके गार्ड ने बताया था कि उन्हें ताहिर की तस्वीर दिखाई गई थी। कुत्ता पागल हो जाए तो लोगों को खबरदार करना पड़ता है। ये तो ठीक है आपने खास। क्यों अपनी जान हलकान कर रहे हो? थक रहे हो तुम? किसी अच्छी जगह पोस्टिंग कराओ, जिंदगी के मजे लो। चोटी सर करनी हो तो सांस तो फूलेगा ना जी। फिसल भी सकता हूं, लेकिन आप जैसे दोस्तों का साथ ऑक्सीजन का काम करता है। खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। किसी दिन आऊंगा आपके दरवाजे पर। ठीक है। कहाँ जा रही है? आखिर इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया हुआ है? एक पुरानी दोस्त है उसके यहाँ। उसमें इतनी राजदारी की क्या बात है? उसके यहाँ नायला और कमाल का निकाह है। क्या? सामने देखो। खान मामू और मामानी को पता है? तुम गाड़ी चलाओ ठीक से। पता नहीं अकल कहाँ घास चलने गई भी। मुबारक हो। मुबारक हो। तुम्हारा मुंह तो मीठा कर रहा हूं। आजो आजो आजो।
मुबारक। तुम्हें भी। खान के लिए मिठाई जरूर लेकर जाना, लेकिन खान तो जानता नहीं। मैंने अभी मुबारकबाद दी है, बेटे का निकाह था, मामूली बात थोड़ी थी। मगर कुछ नहीं होगा, खान पहली दफा रिश्तों के ऐसे गहरे जाल में फंसा है कि चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। गुस्सा जरूर करेगा मगर बेबसी का, हाकमियत का नहीं। घबराओ तुम, कहो तो मैं खान से बात करूं। नहीं, मैं घबरा नहीं रही, आखिर ये सब मैंने ही किया है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि खान को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। अम्मी, अम्मी, I love you so much. I love you too. अच्छा अम्मी, मुझे कमाल डिनर पे लेके जा रहे हैं, हम चले जाएं? जरूर जाओ, आज तुम्हारा स्पेशल दिन, मौज करो। तो फिर मैं बता के आती हूँ कमाल का। बड़ा दुख दिया है तुमने मुझे। हमारे दिल तो नहीं मिल सके थे, सोचा किसी और के तो मिलवा दूं। तो मुझे इस खुशी में शामिल नहीं कर सकती थी? तुम क्या जानो, जब दो दिल मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुम तो सिर्फ तोड़ने पे यकीन रखते हो, जोड़ने का। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल अब भी साफ नहीं है मुझसे। दिल है ही कहां मेरे पास, वो तो बरसों पहले किसी ने मसल कर फेंक दिया था। वैसे रियली हद्दाद, अब किस किस को मारोगे, अपने बेटे को, भांजे को, भांजी को, अपनी बहन को, या फिर मुझको? शरबत, सॉरी, आई हैव टू लीव नाउ। वैसे आज रात मैं क्लब आ रही हूं, तुम चाहो तो फेस टू फेस आके मुबारकबाद वसूल कर सकते हो। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मैं तुम्हें चूटी काटू तो तुम्हें यकीन आएगा। Maybe. आया यकीन? हाँ, थोड़ा थोड़ा। वैसे सब कितना हसीन ख्वाब जैसा लग रहा है ना, एक हसीन ख्वाब। तो मुझे ये बताओ, मेरी नायला खुश है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट इस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हात को एंजॉय कर रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो, अभी तो हमने बहुत खुशियों वाला वक्त देखना है।
कमाल। अच्छा जस्ट इमेजिन अगर मामू को ये पता चल जाए कि हमने भाग के निकाह कर लिया तो क्या यार नायला, मुझे ये मोमेंट्स तो एंजॉय करने दो, क्यों डरा रही हो? मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ तुम्हारे चेहरे पे ये खौफ देखकर। बहुत अजीब सी एंजॉयमेंट्स हैं तुम्हारी वैसे। ओके, तुम्हें जैसे ही कोई भी लीड मिले ना मुझे फौरन फोन करना, हमें हर हाल में पता करना है कि सबके पीछे कौन है। या ओके बाय अर्शद। अर्शद सब ठीक है? परेशान हो? नहीं नहीं तो। अपनी शक्ल देखिए, मुझे बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या मतलब? मम्मी को खान मामू ने बुलाया, मुझे लगता है खान मामू को पता चल गया है। क्या पता चल गया? निकाह हो गया है। किसका निकाह? कमाल और नायला का निकाह हो गया है। What? हाँ। Are you serious?